से मैं खुशी, आइए आज की कुछ ताजा खबरों पर नजर डालते हैं। भैया इधर देखो भैया, कैसा लग रहा है बेटा तुम्हारा बर्थडे बना रहे तो? कैसा लग रहा है तुम्हारा बर्थडे? मजा आ रहा है? क्या नाम है? और ऐसा उम्मीद थी कि ऐसा बर्थडे बनाएंगे आज के दिन? साइड पालकी में सबसे ज्यादा आनंद कब आया? पालकी निकली थी कब आया? और आज जब अंतिम यात्रा निकली और आज तुम्हारा बर्थडे आया तो कैसा लगा? अच्छा लगा। बताइए साईं पालकी में आपके द्वारा यहाँ पर एक बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है और काफी धूमधाम से बच्चा बहुत एंजॉयमेंट भी करा काफी समय तक, बताइए आज आपके मन में कैसा रहा है कि इसका बर्थडे आज के दिन विशेष रूप से मनाया जाए? आज सबसे अच्छी बात है कि जहाँ से पालकी निकले सेकंड ईयर एनिवर्सरी है और आज इसका जन्मदिन है, हमारे परिवार में दो खुशी के मौके, हमने दोनों ही मौके खोल के एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग है बच्चे को, हम पूरा और ये हमारे परिवार का ही हिस्सा है। बोलो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू, बताइए आज छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये भव्य पालकी यात्रा में इसकी एक अलग ही शोभा बनी रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? ओम साईराम। इस वर्ष अगर आपने देखा होगा तो ये पूरा माहौल हमारा पारिवारिक रहा और जो आज बर्थडे मना है ये हमारे परिवार के संस्कार है कि जो भी व्यक्ति नया हमसे जुड़ता है तो उसके जीवन में जो खुशी के पल है उसको हम बस बांटने की कोशिश करें। और आज पूरी यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? जो 28 दिन की यात्रा थी जो आज समापन की ओर चली और कल अंतिम में रहेगी, बाबा के आशीर्वाद से सभी 24 प्रभात पालकियां बहुत अच्छे रूप से निकली, सभी लोगों का हमें बहुत साथ मिला और अधिक से अधिक लोगों ने पधार करके इन सभी पालकियों को बहुत उत्साह से सबने ज्वाइन करा और उसको बहुत अच्छा रूप दिया। हमारी मुख्य पालकी कल शाम 5 बजे रामनवमी के पावन पर्व पर बड़ा गणपति से निकाली जाएगी। आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक मात्रा में पधारें। आपका शुभ नाम बताएं। गौतम पाठक। थैंक यू।